हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हुमा खान के ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नया साल की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली को, और सभी को ही मुबारक हो। और आज का ब्लॉग ये होने जा रहा है कि मैं गई थी आज मार्केटिंग करने, तभी मैंने ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। मैं गई थी चाइना मार्केट, चाइनीज़ लोग वहाँ सामान बेचते हैं। मैंने सोचा बना लूँ यहाँ का ब्लॉग, लेकिन मैं इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पब्लिक थी। तो मैंने सोचा कोई मोबाइल ना मेरा खो जाए, तो मैंने सोचा रहन दो यहाँ पर नहीं। मैं ऐसी गाइज लोगों को बता दूँगी कि फिर किसी दिन अगर जाना हुआ तो ज़रूर बनाऊँगी वहाँ का ब्लॉग, और आप लोगों को दिखाऊँगी चाइना मार्केट कहाँ पर है और चाइनीज़ लोग कहाँ पर बेचते हैं। मुझे एक गर्म कुर्ती बहुत पसंद आई थी, लेकिन वो थी 1800 की, तो मैंने मेरे बजट में नहीं था, तो मैं चली आई और मैंने कुछ भी नहीं ले पाया। मैं थोड़ा सा बाहर का सामान लिया है मेरे हस्बैंड ने, और देखिए कितना टाइम हो गया, हम लोग किस टाइम आए। तो मैं घर पहुंची हूँ अभी, और उसके बाद मैंने आई जल्दी से, मैंने खाना बनाया, आधा मैं बना गई थी, आधा मैंने बनाया आके, और उसके बाद जो हूँ मैं बनाई मैंने चाय अपने लिए। खाना खा के मैंने सोचा मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि बाहर मैंने कुछ खाया नहीं था खास, क्योंकि आप लोग पता है कि आपकी उम्र डाइट पे रहती है, बहुत कम लेती हूँ मैं बाहर का भी और घर का भी बहुत कम लेती हूँ मैं, डाइट खा लेती हूँ। तो हम लोग मार्केटिंग करने आए गए थे, और जैसे कि जो 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 चीज़ें लेकर आए, लेकिन घर के लिए कुछ नहीं लाए, और जो चीज़ लेकर आए वो दिखाऊँगी मैं किसी ब्लॉग में आपको। कि मेरा मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन भी करूँ, तो ऑनलाइन सही रहेगा क्या नहीं, आप लोग कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइए। और मैं सोच रही हूँ क्योंकि जो है ऑनलाइन भी सही रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन भी बिकता है माल, तो आप लोग बताइए कमेंट्स में मुझे प्लीज़। और पता है आज क्या हुआ, जहाँ पर मैं माल लेने गई थी थोड़ा सा वहाँ पर थी भीड़ बहुत ज़्यादा, मैं ब्लॉग बनाने को थी, मैंने बनाया नहीं। लेकिन पता कितना दुकानदार इतने चलाकी से काम कर रहा था, उसने 180 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए और हिसाब जोड़ दिया इतने का कम का, और मेरे से कहने लगा कि इतने ही होगा, और मैंने बिल नहीं ले पाया मेरे हस्बैंड ने। और जब मैं दो दुकानें छोड़ के आगे को गई तो मैंने कहा इतने नहीं हुए उसके पैसे, इतने हुए। फिर मैंने अपनी भांजी को बताया, उसने जोड़ के फ़ौरन बताया कि इतने नहीं, इतने हुए। हालांकि मैं गई फ़ौरन, मैंने कहा आपके इतने पैसे नहीं हुए, तो एकदम झूठ सा बोल गया, नहीं नहीं मुझे आपने इतने नहीं दिया। मैंने कहा मैं क्यों झूठ बोलूँगी आप लोगों से, और अभी कोई कस्टमर आया भी नहीं है हमारे अलावा। तो फिर उसने पता 100 रुपीज़ दिए मुझे वापस, कह लगा कोई बात नहीं भूल चूक तो हो ही जाती। बताइए बाहर की दुनिया ऐसी है कि अगर आप लोगों से भूल हो गई देने में, कुछ पैसे बढ़ती दे दिए हैं, तो ये नहीं बोलेगा अगला कि आपके बढ़ती आ गए, रख लेगा वो लेकर। बताइए कैसी दुनिया हो गई है, ईमानदारी तो बिल्कुल भूल गए हैं लोग। तो आज बहुत मार्केट में मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा मार्केट में, क्योंकि आज सुबह नया साल होने वाला 12 बजे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत लोग टहल रहे थे, घूम रहे थे, मार्केट बहुत ज़्यादा फुल चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरे हस्बैंड को एक जैकेट अच्छी लगी, लेकिन वो प्राइस उसके बहुत ज़्यादा थे हैवी, तो इसलिए मेरे हस्बैंड नहीं ले पाया मुझे, लेकिन बहुत बुरा लगा। लेकिन बस कहते नहीं पैसों की प्रॉब्लम रहती है, मेरे पास बहुत पैसों की प्रॉब्लम थी, तो मैंने भी कुछ नहीं ले पाया सामान। तो मैंने बोल दिया उनसे कि मैं आपको ये गिफ्ट करूँगी, तो बोले ठीक है। ग्रीन कलर की थी, अच्छी लग रही थी मुझे, जब लूँगी तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी आपको। और मैं कहाँ जाती हूँ कहाँ नहीं जाती हूँ मार्केटिंग करने, तो मैं आपको किसी ने ब्लॉग बना के दिखाऊंगी। मैंने इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाया, वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए अब किसी ने बगैर उसके जाऊंगी। जैसे कि नया साल नहीं होगा, कोई त्यौहार नहीं होगा, तब जाऊंगी। अगर भीड़ नहीं हुई तो मौका मिला तो ब्लॉग ज़रूर वहाँ का बनाऊँगी, इसीलिए मैं बना नहीं पाई थी, उसके लिए सॉरी। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट्स में। और सर्दियाँ आ गई हैं, जैसे मैंने टोपा लगा लिया है, सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो देख लीजिए मेरा टोपा कैसा लग रहा है सबको। मैं ऐसी टोपे पहनती हूँ, तो प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिए अपनी हुमा खान को। और हुमा बहुत थक गई है और सांस भी फूल रही है, हुमा ज़्यादा बात नहीं कर पाती है, आप लोगों को पता है आप सांस की प्रॉब्लम रहती है हुमा को। तो इस तब के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरा ब्लॉग कौन सा कैसा लगता है आप लोगों को प्लीज़ ज़रूर बताइए। और नए आए तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, फटाफट से आगे बढ़ाइए प्लीज़, कमेंट्स और शेयर लाइक करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाइए। जस्ट मैंने अभी खाना खाया है, मैं अपनी चाय भी पी लेती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय।